गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग फिर से अपना कंटिन्यू करने वाले हैं अपना माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, मैंने नीचे अपना पूरा वो आयरन फार्म बना दिया था। और लास्ट पता है भाई रिकॉर्डिंग वो फिर मैं जब देखता हूँ OBS को स्टॉप करने के लिए, तो भाई उसमें आता है कि भाई स्टॉप योर रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टॉप बिकॉज स्टोरेज का इशू था और वो बंद हो चुका था। ठीक है, तो भाई कुछ नोटिफिकेशन वगैरह टुड़ू टुड़ू करके आया नहीं, जिसकी वजह से वो बंद हो गया। तो उसके वजह से यार मेरा तो पर लेकिन बन चुका था। तो भाई तुम लोग अगर बनाना होगा तो भाई सिंपल सा एक माइनक्राफ्ट सर्च कर लो यूट्यूब पे, आयरन फार्म पे। और भाई ये वाला माइनक्राफ्ट का अगर तुम लोग बना रहे हो ना, ये वाला आयरन फार्म, तो भाई ये बेस्ट है। ठीक है, मतलब बेस्ट है ये, आराम से कितना अच्छा से काम करता है। और आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप वहाँ नीचे आके खड़े रहो, आप कहीं पे भी घर पे इतना मतलब आसपास में थोड़ा सा भी रहोगे ना, तब भी अच्छा से काम करते रहेगा। मतलब थोड़ा सा दूर जाओ वहाँ पे भी काम करेगा ये। अब बहुत ही दूर चल जाओगे तब तो काम ज़रूरी नहीं करेगा। तो भाई आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि यार मेरा घर कितना अच्छा मैं बना सकता हूँ। तो वैसे भाई ये दो वो आप देख रहे होगे, लैम्प्स लगा चुका हूँ मैं चार इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे टॉर्चेस होती थी। और अब देखोगे तो भाई मैं सब जगह अपना लैम्प बना चुका हूँ, क्योंकि भाई ये इतना ओपी आयरन फार्म है कि यार बस 20 मिनट बैठने से ही ना आपको इतना सारा मतलब एक स्टैक से भी ज़्यादा आयरन फार्म मेरे को मिल जाता है। भाई यहाँ पे फैंटम स्पॉन्स हो चुके हैं और ये आएंगे मेरे को मारने के लिए। मैं खाना खा रहा हूँ भाई, ठीक है। मेरे को दो ने मारा मेरे को शायद से, ये गया लगा इसको, ओह हो रुक गया, ये आ रहा है, ये गया, अब ये भी गया। आ जा तू भी आ जा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, तेरे को भी मैं OPM दिखाऊं, लेट्स गो। ठीक है, ये सब तो मर गए भाई, ठीक है, ये सबको मारते रहता हूँ। वो भाई मैंने कुछ आयरन मतलब अपना लैंप्स लगा दिया, इधर भी लगाया उधर भी लगाया, उस घर में भी लगाया। ओ भाई वहाँ जो स्टेयर्स लगते हैं ना भाई, गजब देखो क्या स्टेयर्स लग रहे हैं। ठीक है, और भाई अपना यहाँ पे पिंक लीव्स वगैरह भी लगा दिए, ब्लॉसम्स लीव्स, और इधर भी लगा दिए, इधर थोड़ा कारपेट लगा दिए, वाइट कारपेट मेरे पास पड़ा था तो ऐसे ही लगा दिया इधर। और यहाँ पे अपना भाई आर्मर स्टैंड आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा नया है। और इधर मैंने थोड़ा कवर टाइप से कुछ बनाया है ये ऐसे, तो इधर भी मैं सोच रहा हूँ कि बाद में कुछ रखूँगा लेकिन अभी नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ज़रूरत मतलब लगाएंगे, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि यार अपना घर जो है ना थोड़ा सा और उधर बड़ा करूँगा ना मैं इस तरफ, तो इधर का ही जगह रखेंगे कि इधर से जाएंगे, या तो फिर मैं जगह अपना इसको पूरा तोड़ना पड़ेगा और ये बेडरूम वगैरह सब तोड़ना पड़ेगा तब हम लोग उधर से जाएंगे। ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इधर से हम लोग चले जाएंगे आराम से। मेरे ख्याल से यही तोड़ के मैं चला जाऊँगा, क्योंकि ये पूरा खुला खुला फिर रहेगा और फिर एक परफेक्ट अपना एकदम बेडरूम टाइप सा बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी बना दिया एक रूम और उसमें बेड रख दिया तो उसको बेडरूम कह दिया, भाई पूरा प्लानिंग से भाई ये गायब होते रहता है। और वैसे ये सही लग रहा है वैसे देखा जाए तो। और ऊपर का भी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा ऊपर भी अच्छा से कर दिया लेकिन ऊपर कुछ अभी तक रखा नहीं है। इधर भी लैंप लगा दिया, इधर भी ऐसे ऐसे कर दिया पूरा अपना। और उस घर का भी थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, उस घर में भी ऐसे कुछ खास नहीं किया, बस थोड़ी लैंप चेंज की है पूरी। ये क्या गजब लगता है भाई ये लैंप में, ओ भाई साहब, अब देखो भाई क्या गजब लग रहा था, ये गजब लगता है कुछ भी बोलो। यहाँ पे भी लगा दिया वैसे तो, इंचेंटमेंट का हम लोग पड़ा है यहाँ पे। ओ भाई मेरे सॉर्ड पड़ा है यहाँ पे, और भी कुछ रखना था देखो मेरे को यहाँ पे। मेरा और क्या चीज था, मेंडिंग और एफिशिएंसी 4 है इसमें। ठीक है, ये और ये वाली चीज यहाँ पे मैं रख देता हूँ, क्योंकि अभी मैं जा नहीं रहा। ओ भाई ये क्यों रख दिया मैंने, वाह भाई अभी मैं जब जाऊंगा ना तब लेके जाऊंगा इनको, अभी यहाँ पे रख देता हूँ इनको शांति से। ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने गलती से, माइनक्राफ्ट बंद हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज हम अपना घर जो है ना थोड़ा वो और भी अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे को और चाहिए होंगे ना, मतलब वो लॉक्स चाहिए होंगे थोड़ी सी। और थोड़ा सा मैं घर जो है ना अपना थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। लेते दो स्टैक ले लेता हूँ मैं, और मैं जो सोच रहा हूँ ना कुछ करने का वो करके देखता हूँ अभी मैं, देखते हैं मेरा अच्छा लगता है कि नहीं। ये रखा प्लैंक यहाँ पे, और ये वाला हटा देता हूँ मैं,
यहाँ पे रखता हूँ और ऊपर जाते हैं भाई। हो जाए यार, चलो अब यहाँ पे मैं लॉग्स लेता हूँ अपना, और लॉग्स को ना मैं से आके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और एक लॉग यहाँ पे भी, एक लॉग यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। अब नीचे की तो और आते हैं फिर से, यहाँ पे मतलब करना ही है भाई, हगास तो होना ही है, ठीक। और कुछ होना हो हगास जरूर होगा, ठीक है, हगास इज परमानेंट। ओके, इस तरफ का हो गया, एक उधर भी शायद से बाकी है मेरा, ये वाला। चलो इधर से भी कर लेता हूं मैं, पीछे से भी। ओके, तो डन हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो हो गया अपना। साइड में भी कर सकता हूँ, लेकिन साइड में मन नहीं मेरा, मतलब साइड में करने का जरूरत नहीं है। अभी जो मेरा दिमाग में थोड़ा आया था वो मैं आप लोग को अगर हो चुका होगा तो बताता हूँ, वो बाहर में आके आपको दिखाता हूँ फिर अभी कैसा लगेगा ये। हाँ, अब थोड़ा मतलब थोड़ा प्रॉपर टाइप सा ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे किया हुआ है थोड़ा सा। अब ना वैसे ज़रूरत है कि थोड़ा यहाँ से भी ऐसे हो जाए ना तो वो भी सही लगेगा, है ना, यहाँ से भी ऐसे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर जाके भी हम लोग ये भी कर लेते हैं, देख लेते हैं यार कैसा लगता है। अभी थोड़ा घर को और भी अपना करना है ना अच्छा सा, तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। ऐसे करूँ मैं, ऐसे करूँ, फिर ऐसे करता हूँ यार, फिर से आकाश ऐसी आगाज करते रहो भाई। भाई ये बना दिया पर ये गिर गया मैं नीचे, अब ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से तोड़ना पड़ेगा यार ये सबको। ओके, तो डन है जी। और यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है थोड़ा, मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब ऐसे है, और थोड़ा सा बस वहां पे थोड़ा सा और हो जाता ना, बस एक और तो सही लगता वैसे और भी, है ना। मेरे ख्याल से बस ये एक और रह जाता ना तो और सही लगता, थोड़ा सा उधर से देते हैं। आ जाओ, लेट्स गो, ठीक है, ऐसे देता हूँ मैं, थोड़ा सा ये अलग हो गया है, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं दे सकते, यहाँ पे आके निकालो, अभी भी थोड़ा अलग हो रहा है। हाँ, तो यार अब लग रहा है वैसे अच्छा, ठीक है ना, और भी अच्छा लग रहा है मतलब अभी, ठीक है, अभी और अच्छा लग रहा है। और मैं क्या सोच रहा हूँ यार, फ्यूचर में इधर अपना जाएंगे तो उस तरफ कर लूंगा मैं। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ रख के देखूँ, क्या मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये रखना चाहता हूँ, वैसे जगह तो होगा नहीं इतना रखने का, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, क्या करूँ मैं, क्या करूँ और भी अच्छा दिखाने के लिए, और क्या क्या चाहे खड़को। यार अभी जो मैंने देखा ना वो थोड़ा सा, ये जो मैंने लैंप लगाया हुआ है ना इस तरफ से, वो थोड़ा और लग रहा है, तो ये सबको हटा के मैं उधर लगा देता हूँ, ठीक है, ये तोरा और ये भी मिल जाना, हाँ मिल गया। तो अभी ये सब जो है ना इसको मैं यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, मेरे पास और भी होना चाहिए था ना वैसे। तो गाइस अब देखो, अब अच्छा लग रहा है और भी, ठीक है। और भाई अब मैं दिखाता हूँ यार तुम लोगों को, वैसे अपना आयरन फार्म में दिखाता हूँ कि आयरन फार्म तुम लोग पूछोगे भाई तुम लोग अभी तक कितना आयरन मतलब तुमको मिला है, तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मैं दो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा भाई दो बार या दो घंटे या एक घंटे या डेढ़ घंटे बैठा होऊंगा, दो बार या तीन बार करके। तो मेरे को भाई तीन स्टैक मेरे पास पहले से था, तीन दो थे और एक थोड़ा सा था, और भाई देखो अब कितना मिल चुका है, ठीक है। और तो भाई ये और दो तो और स्टैक जोड़ लो, क्योंकि मैंने ये सब भी देख रहा हूँ ना,
इसे बहुत सारे नगेट्स बनाए, बहुत सारे नगेट्स बनाए, मतलब एक या दो स्टैक तो उसमें भी लगा है, पूरा दो स्टैक लगा है, दो स्टैक तो लगा है, हाँ दो स्टैक लगे हैं टोटल ये पूरे नगेट्स बनाने में, और भी मैंने कुछ बहुत कुछ साइड से बनाया है। तो भाई अपने पास आयरन जो है वो अब पूरा अनलिमिटेड प्रॉपर जिसको कहते हैं ना अनलिमिटेड हो चुका है, और भाई बहुत अच्छा ये काम करता है आयरन फार्म, और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग को भी अगर बनाने का है तो। और भाई वो देखो वो कौन है वहां पे घूम रहा, इसको मारेंगे। ओ भाई ये क्या हो गया, इसको मैं मारूंगा, देखो इतना दूर से गायब हो गया ये तो बोरा। ओ भाई क्या शॉट है तेरे भाई का, ओ भाई डाउन, लेट्स गो, देख लो भाई तुम्हारा भाई जोर। ओ भाई यहाँ पे तीन और आ चुके हैं, बच गए, ये आया आया आया, ओ गया आ गया, ये भी गया भाई, दो ही है वैसे, एक और होता है वैसे, दिख नहीं रहा, दो गया सबको मैं मार दिया। अब यार वैसे क्या आप लोगों को दिखाऊं मैं और कुछ अभी है नहीं। चलो गाइस मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में भाई आई नो कि यार इस वीडियो में उतना कुछ दिखाया नहीं, बस थोड़ा सा प्रोग्रेस अपना दिखाया कि ऑफलाइन में थोड़ा मैंने क्या किया, जैसे ये सब वगैरह लगाया और अभी ये लगा दिया थोड़ा और खूबसूरत करने के लिए, और ये भी लगा दिया अपना घर को और खूबसूरत करने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ यार आपके सामने थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लूँ, या फिर क्या करूँ यार, इधर और बड़ा किया जाए क्या। देखने गाइस अभी मैंने सोचा भी नहीं यार उधर बड़ा करूँगा तो उधर रखूँगा क्या मैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा, समझो ये लगा लेता हूँ मैं, और हमारा पिकैक्स टूटने वाला है, पिकैक्स बोल रहे हैं आयरन एक्स टूटने वाला है। ठीक है और यार दिखा देता हूँ भाई, चलो हम लोग चलते हैं अभी उधर भी देख लेते हैं भाई उधर भी। और पता है मैंने ना भाई कोशिश किया था अपना चिकन फार्म बनाने का, चिकन फार्म मतलब वो क्या कहते हैं जिसमें से हम चिकन डालेंगे तो वो बच्चा होगा, फिर बच्चा बड़ा होगा, फिर उसके से वो बन जाएगा। तो भाई वो मैंने कोशिश किया लेकिन यार यहाँ पर ना बस एक दिक्कत हो रहा है कि ये जो डिस्पेंसर है यहाँ पर मैंने लावा बकेट जो है वो रख देता हूँ, तो बार बार ये लावा बकेट से लावा निकलने की जगह पे ये सब देख रहे हो ये बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये लावा निकलने की जगह पर यही निकल जाता है। अभी देखना ये आएगा तो ये लावा ही निकल के, लावा नहीं निकलता ये बकेट ही निकल के चल जाता है उसको। देखो भाई मेरे को ही मिल गया डायरेक्ट, देखिए ये सीधे यहाँ से निकल के लावा निकलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि करूँ क्या, ये आ जाता भाई, चल भाई निकल, यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाई, मेरे को मिला वैसे वो मिल गया। अभी क्या करूं मैं, ये क्या बे इसे कोई चोट क्यों लग रहा है, इस पर ड्रॉपर में ये डाल देता हूं मैं डिस्पेंसर में, पता नहीं काम क्यों नहीं करता, पता नहीं यार। देख रो इसलिए मिल नहीं रहा। और भाई एक चीज और दिखाऊं आप लोगों को, अगर मैं इसके इससे ये ना, क्योंकि इसमें से फ्लेम निकलता है ना, अगर मैं ये यूज करूँ ना तो ये सीधा चिकन बनता, देखो अभी दिखाता हूँ, ये यहाँ पे है ना बहुत सारे यहाँ पे, तो इसको मैं यूज किया ऐसे ऐसे ऐसे, बस मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, और अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखो कुक्ड चिकन भी मेरे को मिलता है, समझ गए ना, कुक्ड चिकन भी भाई मेरे को मिलते रहता है, तो ये भी गजब है, रॉ चिकन भी है। और मैं अपना वहाँ पे जाके अपना वो भी लेके आया था,
बहुत सारे कोल भी मिल गए थे मेरे को इसी वाले आइलैंड पे, तो वो भी लेके आया। और भी देखो भाई यहाँ पे भी बहुत सारे बैम्बू हो रहे हैं, वो भी अच्छा है। और भाई इधर दिखाते हैं भाई, ये पता नहीं यहाँ पे क्या करते रहता है, इन लोग को और बेड बनाना पड़ेगा। ये पूरा फुल हो चुका भाई, ये दबा के यहाँ पे जो सो रहे हैं ना ये सब, तो भाई ये जो होते जा रहा है इनको कुछ देखना पड़ेगा मेरे को। ये यहाँ से हटा इसको, तो मेरे को और आयरन मिल जाएगा। ये गया निंजा टेक्निक बॉयज। भाई ये हटाना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत सारे ये सब जो कर रहे हैं ना, बहुत लेके जा रहे हैं भाई, ये सब बहुत हो रहे हैं, मतलब बहुत ही हो गए, पूरा फुल ही हो गया है मेरा ये पूरे। देख रहे होगे तो ऊपर देख यार, ऊपर को है क्या, ऊपर में कोई है नहीं वैसे तो। हाँ ऊपर का भी मैं ना ये सब चेंज करूंगा, लेकिन अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे ये सब। तो गाइस मैं सोच रहा था कि वीडियो को इतना ही छोटा रखते हैं, क्योंकि अगली बार हम लोग जाएंगे फिर से अपना ये डायमंड फार्म करने। उसके लिए थोड़ा सा मैं प्रिपेयर कर लूँगा आज, और कल फिर चलेंगे हम लोग। डायमंड का पिकैक्स भी बना लूँगा एक मैं, और आयरन का पिकैक्स भी ले लेंगे, फॉर्चून वाला पिकैक्स भी मैं ले लूँगा अपना। फिर देखने चलेंगे भाई डायमंड का, और शायद से 53 पे जाना पड़ेगा मेरे को, शायद से वो न्यू कोऑर्डिनेट्स है कि 45 पे 50 पे भी मेरे को मिल नहीं रहा था, तो उस पर जाके आप देखेंगे कि वहाँ पे मिलता है कि नहीं। चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।